चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी बात की। रूस की जासूस मानी जाने वाली सफेद बेलुगा हवल्दीमीर वेल की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31 अगस्त को नॉर्वे के रिसाविका खाड़ी में मछली पकड़ने गए पिता पुत्र को वेल का शव तैरता हुआ मिला। 14 फीट लंबी इस वेल की उम्र लगभग 15 साल थी और वजन जो है वो 1225 किलो था। इसके शव को क्रेन से निकाला गया। हालांकि मौत कैसे हुई इसका पता नहीं चला है, मगर आशंका जताई जा रही है कि किसी बड़ी नाव की टक्कर से इसकी मौत हो सकती है। इस वजह की पुष्टि इसलिए नहीं की गई क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। हवल्दीमीर वेल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि हवल्दीमीर वेल के बारे में दुनिया को पहली बार 2019 में पता चला था। इसे रूस से 415 किलोमीटर दूर नॉर्वे में इगोया द्वीप के तट पर देखा गया था। बेलुगा वेल आमतौर पर रूस वाले इलाके में नहीं मिलती, इसीलिए इस पर नजर रखी जाने लगी। वेल को करीब से देखने पर उसके गले में एक पट्टा देखा गया था। शरीर पर कैमरे के साथ मशीनें भी लगी हुई थी जिस पर रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम लिखा हुआ था। रूसी नौसेना को वेल को ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि इसे रूस का जासूसी वेल माने जाने लगा। हवल्दीमीर वेल को लेकर पश्चिमी मीडिया में तरह तरह के दावे किए गए। कहा गया कि ये जानवरों को जासूस बनाने वाले रूसी प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। हालांकि रूस ने कभी भी इसे नहीं माना। वेल को नॉर्वे में हवाला कहा जाता है और इसके बाद हवाल और रूसी राष्ट्रपति के नाम को मिलाकर इसे सोशल मीडिया पर हवल्दीमीर जासूस वेल कहा जाने लगा। आपको यह भी बता दें कि बेलुगा वेल आमतौर पर ठंडे अर्कार्टिक महासागर में रहती है, लेकिन हवल्दीमीर इंसानों के बीच आसानी से रह लेती थी। वो इंसानों के साथ डॉल्फिन की तरह खेलती थी। दावे करने वाले ये भी कहते हैं कि वो हाथ के इशारे पर भी रिएक्ट करती थी। ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्वे के करीब मौत से एक दिन पहले ये दिखी भी थी। उस समय तक वो सामान्य नजर आई थी। दूसरी खास बात ये भी है कि इस वेल की मौत समय से बहुत पहले हो गई है। आमतौर पर बेलुगा वेल की औसत उम्र जो है वो 60 साल मानी जाती है। यही वजह है कि इसकी मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस वेल की मौत पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। मौत की वजह अभी साफ नहीं है। बेलुगा वेल की उम्र 60 साल होती है और 15 साल की बेलुगा वेल कैसे मरी? एक दिन पहले वो सामान्य दिखी थी, शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे। नॉर्वे में लोग इस वेल को प्यार करते थे और ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं वेल की मौत को लेकर क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं। इंसानों के साथ खेलती थी ये वेल और ये सामान्य मौत या फिर इसे मारा गया, ये अभी भी सवाल जो है वो बना हुआ है।